संतप्त मानस शांत हो जिनके नाम के वाणी अथैवं प्राप्त चिंतामणिरपि मे प्रमादो दस्युरिति जागर्ति। यद्यपि मुझे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई है तो भी प्रमाद रूपी लुटेरे दस्यु डाकू उसे लूटने के लिए तैयार हैं, इसलिए मुझे जागते रहना चाहिए, इसलिए मैं जागता हूं। यहां ये प्रमाद को डाकू कहा, तो प्रमाद क्या है? ये जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय को प्रमाद कहते हैं। अनंतानुबंधी का तो ये मिथ्यात्व के साथ चला गया, तो संयम की जो घातक कषायें हैं उन सबको प्रमाद कहते हैं। इसे छठवें वनस्थान वालों को प्रमत्त कह वाला कहते हैं, है ना? फिर आगे आगे बढ़ते हैं तो जीवन जी कम होती हैं तो उन्हें अप्रमत्त वाला कहने लगते हैं। गाथा बोलो। दर्शन मोह चला गया है ऐसे जीव जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त किया है, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि जिनने की है। अब यदि वे राग देश माने चारित्र मोह को भी छोड़ दें तो और अच्छी तरीके से शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। खुद कृष्ण का वो उठाया है आचार्य देव ने आगे टीका में कि दो दो बातें एक साथ कहते हो। एक तो जिसने आत्मा को मोह को जीतकर आत्मा को उपलब्ध किया है, फिर वे राग देश मोह के ही तो भेद हैं, तो दूसरे नाम से मोह का नाम ले दिया। यदि हम उनको मोह ही कहें तो एक है मोह को जीतकर जिनने आत्म तत्व उपलब्ध किया है, ऐसे जीव यदि मोह नहीं करें माने राग द्वेष नहीं करें तो वे उत्तम तत्व को उपलब्ध कर सकते हैं, वे और अच्छा उपलब्ध कर सकते हैं। तो उपलब्ध कर ही लिया है तो उपलब्ध कर सकते हैं की बात क्या है, तो इसका एकदम स्पष्ट है जो अपन ने इसमें लिखा भी है कि उपलब्धि दो प्रकार की होती है। एक तो वो चौथे गुण स्थान में सम्मा दर्शन हो गया उसे उपलब्धि कहते हैं आत्मा की, और एक यानी दो दो जगह होते हैं ना कर्म, तीन कर्म, एक चौथे गुण स्थान होने के पहले होते हैं कर्म लब्धि में, फिर तीन कर्म अधा कर्म अपूर्व कर्म अनुवृत्ति कर्म नाम के गुण स्थान है, तो वहां भी ये तीन कर्म होते हैं। तो ये दर्शन मोह के नाश करने वाले कर्म है और वे चारित्र मोह के नाश करने वाले कर्म है। तो जब उपलब्ध कर लिया ये बात कही तो दर्शन मोह को नाश करके सम्मा दर्शन को प्राप्त किया उसकी बात है, और जब ये कहा कि उपलब्ध करेगा यदि वो राग द्वेष छोड़ दे तो वे चारित्र मोह के जो कर्म है उनकी बात करते हैं। देखो आपके पेज नंबर 148 पर निकालो आगे, तीसरी लाइन से पढ़ते हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है
कि इस गाथा के ऊपर की पंक्ति में तो यह कहा है कि जिसने मोह को दूर किया है और आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, और दूसरी पंक्ति में यह कहा है कि यदि राग देश को छोड़े तो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। क्या उक्त दोनों कथनों में विरोधाभास नहीं है? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। बात मात्र इतनी ही है कि आत्मोपलब्धि दो प्रकार की होती है। और ये जो एक नंबर और दो नंबर चढ़ा, अभी इसे अपन पढ़ेंगे। जैसे नाचार्य की जो टीका है उसकी एक टीका ज्ञान सागर महाराज ने लिखी है। जब मैं ये लिख रहा था तो मेरे पास वो ज्ञान सागर महाराज की, एक वीर सागर महाराज की, ये सब टीकाएं वो उपलब्ध थी, और भी एक आध दो दर्शनाचार्य की टीकाएं लिखी है। तो ज्ञान सागर की टीका में ऐसा लिखा है कि एक आत्म उपलब्धि और तीसरे प्रकार की होती है। और उसमें ये लिखा है कि वो आत्म उपलब्धि हमने शास्त्र में पढ़ के और आत्मा जान लिया और विश्वास कर लिया, ख्याल में आई ना, एक वो आत्म उपलब्धि है, और इसलिए वो चौथे गुण स्थान में वो हो जाती है और अनुभव पूर्वक नहीं होती। आप समझे ना, ये उन्हें उस वक्त मैंने पढ़ा था। लेकिन अभी अभी मैं आपको कहता हूं कि उन ज्ञान सागर जी महाराज को, वे बहुत अच्छे विद्वान थे, संस्कृत भाषा पर उनको बहुत अच्छा अधिकार था। उनने जो काव्य लिखे हैं वो कालिदास जैसे श्लोक हैं, वैदर्भी शैली में, और जिसमें एकदम पढ़ो तो श्लो में के साथ एकदम पढ़ते चले जाओ, और जो संस्कृत थोड़ी जानते हो तो उन्हें अर्थ खुलता चला जाता है, ख्याल में है ना, जिसमें प्रवाह होता है, ऐसे उनने लिखे हैं। और वैसे ही अलंकार, वैसे ही भाषाएं, जो काव्य में विशेषताएं होती हैं वो सब विशेषताएं उनके काव्य में हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग उनको मानम कालिदास का भी श्रृंगार रस का काव्य है तो उनने भी श्रृंगार रस का बहुत वर्णन किया है, तो इसलिए कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। इसे उनको तो नापसंद होने का सवाल नहीं है, लेकिन जो विद्यासागर के ग्रुप को नापसंद करता है वो लोग उस बात की कि देखो इसमें, देखो ऐसा लिखा, इसमें ऐसा लिखा, सुलोचना के स्वयंवर का वर्णन है विस्तार से, तो उसमें सुलोचना की सुंदरता का, जैसे शकुंतला का वर्णन किया ना कालिदास ने, ऐसा ही वर्णन उन्होंने उसमें उसका सुलोचना का किया है। तो उस वक्त मुझे लगा था कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे को लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत दम है। और वो दम क्या है कि अपने भी तो कह रहे हैं ना कि देशना लब्धि में हम शास्त्रों में पढ़कर गुरु मुख से सुनकर आत्मा का स्वरूप हमें पूरा उसका ख्याल में भी आ जाता है, बिल्कुल जैसा कि अनुभव में आता है वैसा ही, और हम पर उसे पूरा भरोसा भी हो जाता है। और उसमें जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बनता है आगम के अनुसार, उसमें हमारा अपनापन भी हो जाता है, और उससे प्रति जो हमारे तीव्र रुचि और आकर्षण होता है उसी से प्रायोग लब्धि होकर हम कर्ण लब्धि में जाते हैं। तो मैंने वहां पूरा अनुभव वहां तो कम से कम नहीं हुआ शांति जी, जब वो आत्मा का अनुभव हो जाएगा कर्ण लब्धि के बाद, कर्ण लब्धि में तब जो सम्मा दर्शन होगा, तो उसको तो हम कह सकते हैं कि वो अनुभव के बिना नहीं हुआ। लेकिन ये जो पहले श्रद्धान हुआ है वो तो अनुभव के बिना ही हुआ है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अज्ञान अवस्था में आत्मोपलब्धि आगम के अनुसार होती है, और वो लेकिन वो सिर्फ सम्मा दृष्टि को चौथे गुण स्थान में उसे मानते हैं, हम कहते हैं वो पहले गुण स्थान की बात है। तो बात गुणस्थान का अंतर पड़ा, लेकिन वो बात एकदम हवा में नहीं थी जैसे कि हमें उस वक्त लगी थी कि जी इन्हें नया निकाला है, लेकिन आगम में है मतलब वो बात, लेकिन कहाँ है, कैसी है, उस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जब भी हमारी समझ में
उसकी सच्चाई, उसका थोड़ा बहुत सच्चापन आए ख्याल में, तो हमको उसे ईमानदारी से प्रकट भी करना चाहिए। ये 81वीं गाथा में बता दें, दो प्रकार की आत्मोपलब्धि है, कोई अपन इसी को इसी भाषा में ही पढ़ लेते हैं। पहली, पर पदार्थ और विकारी भावों से भिन्न शुद्ध बुद्ध त्रिकाली ध्रुव निर्भगवान आत्मा के परिज्ञान अर्थात आत्मानुभूति पूर्वक उसी में अपनापन हो जाने को आत्मोपलब्धि कहते हैं। चौथे गुणस्थान में होने वाली इस आत्मोपलब्धि में मिथ्यात्व और अनंतानंदी कषायों का उपसमाधि रूप अभाव होता है। उपसमाधि रूप का मतलब क्या, उपसम होगा, क्षय उपसम होगा, क्षय होगा, कुछ होगा एक ऐसा। उपर्युक्त आत्मोपलब्धि हो जाने पर भी अभी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संतुलन कषाय संबंधी चारित्र में विद्यमान है। मिथ्या तो अनंतानंदी कर्मों का भी यदि अभी क्षय न हुआ हो तो वे भी सत्ता में रहते ही हैं, समझे ना, माने वो भी मौजूद हैं। इन सब को प्रमाद भी कहते हैं। अतः यहाँ कहा गया है कि दर्शन मोह के नाश हो जाने पर भी प्रमाद रूपी चोर विद्यमान हैं और तेरी असावधानी का लाभ उठाकर तेरी प्राप्त आत्मोपलब्धि रूप निधि को लूट सकते हैं। अतः प्रत्येक ज्ञानी आत्मा को निरंतर सावधान रहना चाहिए। तो एक बात तो यहाँ इसमें ये है समझने की कि जो अभी मिथ्यात्व कर्म का भी क्षय नहीं हुआ है कम से कम, क्योंकि जिसका क्षय हो जाता है तो उसको फिर द्वारा सम्यक्त लुट जाए ऐसा तो नहीं हो सकता है। और वो आचार्य भी पंचम काल के हैं, पंचम काल में क्षयक सम्मत दर्शन होता नहीं, तो उन्हें भी क्षयोपम या उपसम ही सम्मत दर्शन होगा। तो इसलिए वे कहते हैं कि हमें निरंतर जागृत रहना चाहिए। अब तीन चीजें खड़ी होंगी, कौन कौन सी, एक तो ये श्रद्धा वाली चौथे गुणस्थान वाली आत्मोपलब्धि, और एक वे लोग जो कहते हैं सातवें गुणस्थान में आत्मोपलब्ध होता है। तो सातवें में भी कहाँ होता है, वो तो पूरी तरह से तीनों कषायों का अभाव हो जाएगा, तो वो एक तरह से बारहवें गुणस्थान के तेरहवें गुणस्थान की बात है कि हमें उन चौथे के ऊपर तो वे चोर अभी हमारे पास है, सातवें में भी वो मौजूद है ना। मान लो तीन कषाय चली गई तो संतुलन कषाय तो अभी मौजूद ही है और तीव्र उदय के रूप में मौजूद है छठवें गुणस्थान में, तो इसलिए कहते हैं। और तीसरा वो जो अपन ने अभी कही है कि अपन ने शास्त्र के आधार से पढ़कर और अपने हमारी पक्की श्रद्धा हो गई, तो ध्यान से सुनो, यदि वो हमारा निर्णय जो हुआ है आगम के आधार पर और गुरु के समझाने के आधार पर, यदि वो सम्यक है, सम्यक है माने सही है, बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा हमें अनुभव होने के बाद होगा, यानी अनुभव होने के बाद भी हमें आत्मा देखने में आएगा तब वो वैसा ही दिखेगा आत्मा, और केवल ज्ञान होने पर भी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि वैसा ही दिखेगा, क्योंकि स्पष्टता में फर्क होगा, लेकिन उसके विरुद्ध नहीं दिखेगा। यहाँ दिखा वो ज्ञानानंद स्वभावी और वहां दिखा दुखे दुख स्वभावी, ऐसा नहीं होगा, तो वहां भी हम कह सकते हैं कि वैसा ही दिखे। अब हमको आचार्य कहते हैं ये 81वीं गाथा में कि हमें वो हो गया है और अब आगे ये राग देश मोह हैं, ये फिर पनप कर, और ऐसा ना हो कि हमारी वो संपत्ति भी लुट जाए, तो हमें जागृत रहना चाहिए। अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि हम सब मुमुक्षु जो अभी हैं, और खासकर मैं तो कहता हूं कि अपने स्मारक में जो विद्यार्थी सहित विद्वान जितने भी हैं, जो 750 विद्वान हैं और 150 तुम लोग हो, 900 1000 लोग समझ लो,
इतने लोगों के लिए मैं कहता हूं, कोई इसमें शामिल हो तो मुझे दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं माने कि हमको हमें क्यों छोड़ दिया। मैं ये समझता हूं कि ये लोग कम से कम आगम के आधार पर और गुरुमुख से सुनकर वो सही बात समझते हैं, इसलिए कहता हूं। अब हम क्या करें, एक तो ये कि हम अपना आत्मा उपलब्धि मान लें उसे, वो ज्ञान सागर जैसी आगम उपलब्धि से आत्मा उपलब्धि मान लें। और वो आचार्य ये कहते हैं कि तुम फिर हमको संपत्ति मिल गई है ऐसा मान के निश्चिंत मत हो जाओ। किनको, जिनको वो सम्मान दर्शन आत्मानुभूति पूर्वक कर्ण लब्धि पूर्वक भी हो गया हो। इसके लिए भी मैं एक बात कहता हूं कि 8 वर्ष की उम्र के पहले तो हुआ नहीं होगा, और आप सबने भी हमने भी 8 वर्ष की उम्र के बाद ही आगम से पढ़कर गुरुदेव के मुख से सुनकर और अपने ज्ञानी धर्मात्माओं से मुख से सुनकर उसका सही स्वरूप समझा है। और कर्ण लब्धि होती है तो वो अंतर मुहूर्त तक तो होती है ना, वो भी काफी बड़ा अंतर मुहूर्त होता होगा, क्योंकि एक एक करण का भी अंतर मुहूर्त है और तीनों का मिला करके भी अंतर मुहूर्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ऐसा कह के, ऐसा कुछ याद है अपनी जिंदगी का कि हमारी जिंदगी में ऐसा एक आध दफे हुआ है कर्ण लब्धि के परिणामों में हम जाकर और हमारे अंदर ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि सोते सोते हो गया होगा। अभी तुम दूसरों की बात जाने दो कि दूसरे उसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि तुम मनवाओ किसी से, हमें उसका बिजनेस नहीं करना। यदि हमें बिजनेस ही करना होगा तो हमारे पास भाषा संबंधी ज्ञान इतना अच्छा है, भाषा का कर लेंगे ना, भाषा तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है ना, है मतलब मेरे उसके लिए तो सारी सुविधाएं हैं ना, जैसे और पढ़ाई के लिए है। क्या हम तत्व ज्ञान से ही करेंगे? मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें वो जो यदि ऐसा हमारे जीवन में हुआ है क्या, और यदि हमको नहीं लगता है कि ऐसा कभी हुआ है तो फिर व्यर्थ के विकल्पों से क्या फायदा, हमको मान लेना चाहिए जहां हम खड़े हैं वहां, और वहां से हमको अपना आगे का रास्ता चुनना चाहिए। एक पॉइंट समझे, यानी 80 गाथा जैसा लंबा चौड़ा बताने का माल इस गाथा में नहीं है। इस गाथा में जो बात वो कहना चाहते हैं उसको मैंने बहुत गहराई से अनुभव करके मैं आपको बता रहा हूं कि हमें वो चुनना चाहिए। अभी मान लो कि आपको वो हो गया कौन खन्ना दर्शन, तो फिर आगे बढ़ने माने जागृत रहना चाहिए, माने वहीं पर संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार, ऐसी 81वीं गाथा कहती है। अब आज हम मानते हैं कि भाई मजे तो अभी नहीं हुआ ऐसा, तो नहीं होगा तो होगा जल्दी, आपकी जितनी रुचि में तीव्रता आएगी और उसके प्रति आपका अपनापन जितनी तेजी से बढ़ेगा तो वो दिन भी दूर नहीं है, वो दिन भी आएगा और हमें भी अनुभव होगा। तो अब उसके पहले क्या करें, उसके लिए भी ये जागते रहना वाली बात तो बुरी नहीं है ना, क्या उन्हें सो जाना चाहिए, उन्हें तो और ज्यादा जागते रहने की जरूरत है। क्या वहां तक तो आ गए देशना लब्धि तक, सब बात हमारी समझ में आ गई, अब रुचि की तीव्रता की कमी से हम प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि में नहीं जा पाए और वहां तक आत्मा के अनुभव तक नहीं पहुंच पाए, तो भी हमें वही करना है, और पहुंच गए हो तो भी वही करना। मेरे कहने का मतलब है काम दो नहीं है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि पंडित टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि किन्हीं को तो वो वृत्ताधिक सम्मा दर्शन होने के बाद ही होते हैं, नियम तो वही है, लेकिन कोई कोई जीव पहले भी ले लेता है, तो भले ही उसके नहीं होते हैं
लेकिन बाहर की पाई पाई पाप प्रवृत्तियों से तो बचता ही है ना, और उसको बाद में भी वृत्तादिक हो जाते हैं। वृत्त ले लिए पहले, समय दर्शन हो गया, लेकिन वो वृत्त बिल्कुल आगम के अनुसार थे, क्योंकि आगम पढ़ा था उसने कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, तो सब मिला करके जो बिल्कुल उसको सही लगे थे वो ही किया। तो वे वृत्त जब समय दर्शन होगा तो वे सम्यक चारित्र के रूप में परिणमित हो जाएंगे। वे वृत्त यदि वैसे अनाप शनाप ले लिए होंगे जो समय दर्शन के बाद होते ही नहीं है, वे तो गारंटी से समय दर्शन होने के बाद नहीं, समय दर्शन के होने के पहले ही छूटेंगे। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं अंतिम बिंदु पे आता हूं कि ऐसा मैंने बहुत सोचा, जिस समय लिखना की किताब लिखी ना तब सोचा, ये बाकी से ये गाथा भी चल रही थी साथ में, जहां जहां संलेखना पे बोला लिखा तो ये गाथा भी चल रही थी। क्या आचार्य कहते हैं कि जागते रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, मैंने क्या कि राग देश एक प्रमाद रूपी चोर है और ये तेरी संपत्ति को लूट लेंगे, माने ऐसा नहीं कि आगे नहीं होने देंगे, ये वो जो संपत्ति जो सम्मा दर्शन हुआ है और जो अनंतान मंदी कसा गई है वो संपत्ति को भी लूट लेंगे, इसलिए तुझे जागृत रहना चाहिए। तो अपन को भी जागृत रहना चाहिए और अपन को भी उसको सोचना चाहिए कि हम पहले अपने सोचते थे कि सम्मा दर्शन का जब तक तो बिल्कुल पक्का सुनिश्चय नहीं हो जाए, पक्की गारंटी नहीं हो जाए, तो तब तक अपन को वृत्त नहीं लेना चाहिए, आशास्त्र की आज्ञा नहीं है। अब पक्की गारंटी का क्या हिसाब है कि साहब वो हो गया हो तो फिर आपको पता चले ही जाएगा ना, और यदि नहीं पता नहीं चले आपको नहीं है पता तो फिर ऐसा जबरदस्ती थोड़ी हो गया होगा वो, ये बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए यदि हमको ऐसा लगता है कि हाँ हमें तो हो गया था, और हो गया था तो छूट भी दे सकता है, तो आचार्य खुद अपने इसमें समझ से शंका कर रहे हैं कि चोर लूट सकते हैं हम, मेरा मतलब समझे ना क्या कह रहा हूं कि वो यदि उपसमाधिक रूप हुआ होगा तो अंतर्मुक्त में खत्म नहीं होता है, और छह उपसम हुआ होगा तो उसका उत्कृष्ट 66 सागर का काल है, लेकिन जघन्य अंतर्मुहूर्त भी तो है, तो हमारा कोई उत्कृष्ट ही थोड़ी होगा, तो छूट भी सकता है, तो छूट जाएगा तो हमें ये याद तो रहेगा कि हमें हुआ था। अरे भाई जब छूट जाएगा तो उस पे जो बात पे विश्वास हो गया तुम्हें हुआ था उस पे ही कोई कारण पाकर भ्रम हो जाता है। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को होकर के हुआ ना कि अंदर में ऐसा ऐसा भगवान आत्मा है, और फिर वो स्पष्ट तो दिखता नहीं, साफ लिखा ना शास्त्रों में प्रदेश प्रत्यक्ष तो होता नहीं, आपने आगम में पढ़ा था उसकी रुचि की तीव्रता से ही हुआ था, उसमें शंका हुआ ऐसा कि मुझे सचमुच हुआ था या स्वप्न आया था, क्या मुझे हुआ था कि स्वप्न आया था, तो ऐसा होते ही गया खत्म। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा देर ऐसे तुम मथामथी करोगे तब जाएगा, वो तो इतना विकल्प खड़ा हुआ दादा तो संशय खड़ा हो गया, और संशय खड़ा हो गया तो सम्यक ज्ञान नहीं रहा, सम्यक ज्ञान में संशय का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब कि वो हो गया था कि होगा कि अभी इसमें बहुत अनिश्चय है, हो भी गया हो तो छूट गया होगा, छूट सकता है, नहीं भी हुआ हो, मतलब हम इस चक्कर में क्यों पड़े। अब ये जो सर्टिफिकेट बटे हैं ये सब फिर बिल्कुल निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं, खैर अपन उस झंझट में नहीं पड़े। महाभाग्य से अपने हिंदी प्रांत में ये बीमारी नहीं है, ख्याल में ना, तो हम तो अपने स्वरूप पे विचार, मैंने विचार किया गंभीरता से, इसलिए अपन को थोड़ा पंचम गुणस्थान की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से, क्योंकि जो रुकावट थी ना
वो एक इसे 81वीं गाथा के चिंतन मनन से और उस सबसे थोड़ी हल्की पड़ी। क्या अब इस झंझट में नहीं पड़े कि अभी है कि नहीं है, कि मिट गए कि झूठ गया, कि बाद में आ गया कि हो गया था। ख्याल में आई ना, अपने उस दिशा में तो प्रयत्न जो करना है करो ही, लेकिन यहाँ इस दिशा में भी करना चाहिए। क्या अभिनंदन जी, गंभीरता से विचार कर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं थी मुझे, ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है, सभा में भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो इसलिए बता रहा हूँ इस तत्व को समझाने के लिए आपके गले उतरे। आप समझे ना, तो मैंने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए। तो बहुत सी चीजें मुझे ऐसी लगी कि हम जो हमारे चरणान योग का के हिसाब से कहते हैं, करुणान योग के हिसाब से कहते हैं, तो वो ही भी नहीं निपटी दिखती है। अब वैसे ही नाम का लेना हो तो ले लो, क्या जैसे कि आज के किसी भी जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछने जाओ, उनसे कहोगे तुम हमें दे दो दूसरी प्रतिमा, मतलब अपन को तो जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब किसी विशेषज्ञ की राय लो तो उसमें सबसे पहले दवाइयां बंद कर। तो अब तो आज ही वैसी समाधि लो जैसी अपन समाधि को समाधि नहीं मानते, आप समझे, और जिसमें आत्महत्या का दोष लगता है, और नहीं तो नहीं हो सकती, क्या करें। मैंने एक उदाहरण के लिए मैंने एक दवाई का नाम लिया, और भी ऐसी कई चीजें हैं कि जिस तरह की वहां पर शांति जी कहीं जाती हैं कि वे होना चाहिए। अभिनंदन जी, आखिरकार मैं अंत में इसी निर्णय पर पहुंचा कि अपन तो अपनी दिशा में जो भी पुरुषार्थ हो चल रहा है उसे चलने देना चाहिए, और उस वक्त भूमिका अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। यदि हमारे वही व्रत हो जाएंगे और उन व्रतों में दवाइयां नहीं होती होंगी तो दवाइयां भी छूट जाएंगी, और दवाइयों के साथ वो व्रत शुद्धि होती होगी तो दवाइयां बनी रहेंगी और शुद्धि हो जाएगी। मेरा मतलब हमारे विकल्प के अधीन थोड़ी है वो, यद्यपि प्रचारण योग कहते कि नहीं नहीं विकल्प पूर्वक त्यागना चाहिए, आप समझे ना, वो अलग बात है, लेकिन वो ऐसा तत्व नहीं है कि विकल्प पूर्वक त्यागना सही होगा, ख्याल में है ना, ऐसा नहीं है। देखिए जो आदिनाथ भगवान थे 6 महीने तक रोजीना आहार को निकले, तो ऐसा थोड़ी है कि भी आहार को निकले और आहार नहीं मिला और लौट आए तो भी उनका वो फिर वो भंग हो गया कुछ, ऐसा कुछ नहीं। बाहुबली ध्यान में खड़े हुए थे तो कोई 1 साल की प्रतिज्ञा लेके खड़े हुए थे, ऐसा थोड़ी है, वे तो खड़े हुए थे और कभी भी छूट सकता था, लेकिन उनका विकल्प वही बना रहा कि जब भी विकल्प बाहर आया होगा तो उनने सोचा होगा तो फिर अंदर में जाने की कोशिश में लग गए, वही विकल्प बना रहा उसमें तो हो जाएगा, लेकिन हमारा जो मार्ग है वो सही होना चाहिए। ये 81वीं गाथा के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं।